50 लाख? What? 50 लाख? ये कहां से आया अंकल? खालिद भांजी. अंकल प्लीज मुझे भी ऐसा कोई बाबा ढूंढ दे, मेरे पास बिजनेस के बहुत अच्छे आइडियाज हैं. प्लीज यार, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा. चेक जमा करवाओ बैंक में, देखना कैसे बाउंस होगा ये. तनु आप कितनी ऑप्टिमिस्टिक हैं. और वो एक स्मगलर है. स्मगलर तो वो 80s में था, अब तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गया है. पराग अपनी स्टेटमेंट ना बदलो वरना ये जूस का जग मैं तुम्हारे ऊपर उंडे लूंगी. तो क्या कर रही हो ये? तो मैं पहले अपनी ग्लास निकालूं फिर उंडे लिएगा. वेरी इंटेलिजेंट, बिल्कुल बाप पर गई हो. अपॉर्चुनिस्ट, बिल्कुल बाप पर गई है. तो क्या हुआ, मेरा काम तो हो गया ना. देखो फराज, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो अपना ब्लैक मनी वाइट कर रहा है और तुम उसके चक्रों में फंसते चले जा रहे हो. कहाँ जेल जाओगे इस उम्र में? वाह क्या बात है, आपके कितने अच्छे विचार है मेरे बारे में. खुदा के लिए ये इंडियन फिल्मों वाले डायलॉग मुझे मत सुनाया करो. अच्छा नानो छोड़े ना आपस की लड़ाई भी, मुझे नाश्ता कराओ, मैंने ऑफिस जाना. हेलो एक्सक्यूज मी, हम मुझे इन औरतों के बीच में कहाँ छोड़ के जा रहे हो? मैं आपके साथ हूँ, फिक्र क्यों कर रहे हैं. मैं तो आपकी साइड पर हूँ. हाँ हाँ नवासी तो उनकी हो ना. देखो फराज, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे तो वो शख्स एक आंख नहीं भाता. अब तुम देखो उसका रहन सहन, देखो उसकी गनमैन देखो. लेकिन मैंने उसके साथ बिजनेस करना है, कोई रिश्तेदारी नहीं करनी है, तो उसके गनमैन और उससे मेरा क्या वास्ता? पॉइंट टू बी नोटेड. तुमसे तो कोई बहस कर ही नहीं सकता सिला, तुम ही समझा लो अपने बाप को. मेरे तो बस की बात नहीं है. कौन जा रहे हैं वैसे बाबा? ओह सिला, फॉर गॉड्स सेक. अच्छा ये बताओ कि वो चौधरी साहब नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? सर बहुत सी पार्टी आई थी, मैंने मना कर दिया. मैडम आप देखें, ये है अपार्टमेंट, खूबसूरत, कुशादा, हवादार, आपके स्टैंडर्ड के एन मुताबिक. क्यों, इधर मलका लिस्बत रह के गई भी है? जी, खुशबूदार तो दानेदार तो चाय भेज रहे. क्यों, अब इस घर में क्या मसला? चौधरी साहब ये कोई घर है? इधर से घुसते तो लॉन्ज आ जाता है, इधर देखो तो लैटरीन है, साथ ही आप देखो तो बंदा खिड़की से बाहर जा पड़ता है. कराची में ऐसे ही घर होते हैं सारे, और हमने को इधर सारी जिंदगी रहना, कभी कभी आएंगे ठीक है. चौधरी साहब बंदे का घर होता है, उसके अंदर बरामदे होते हैं, उसके अंदर वेड़ा होता है, उसके अंदर दलान होती है, उसके अंदर खुली जगह होती है. तुमने जो इधर क्रिकेट खेली है ना, वो ना खेली कुछ देर. वे कितना किराया इस मिनी पजारों का? मैडम 60,000 रुपए. हाय हाय तेरा बेड़ा कर जाए, तेनू पवे गड़े दी बदली, कितना किराया? इधर से क्या तेल निकलता है या सोने की कान है अंदर? मैडम आजकल यही रेट चल रहे हैं. ऐसा कर तू 15,000 में बस डन कर ले. हाय मेरी बात हो चुकी है, चुप कर जा. चल सब आप बड़े बोले बात से, आपको नहीं पता कराची वाले बड़े चलाक है, आप चुप कर जाए. वे चल वे, अच्छा चल तेरी ना मेरी 16,000 में डन कर. मैडम 16 और 60 में बड़ा फर्क होता है. क्या फर्क है, एक 16 एक 60 है, मैं तेरा टीन बजा देना. अब ये शेख की कुछ लगती, बस कर. चोई सब. हेलो भाई फोड़ो चेक. मेरा नहीं ना दी, इसने चेक नहीं था. वे किधर जा रहा है, तुझे तो खुद नहीं पता इस घर का सही दरवाजा कौन सा, लैटिन में जा रहा है, इधर को चल. सॉरी सॉरी इनको भी जाना होगा. मेरे नहीं ला जाओ, ठंडी सड़क, आखिरकार आपके दिल की बात आपके जबान पे आ ही गई है ना. मैं भी कुछ 60,000 रुपए का फ्लैट लिया 7वीं मंजिल पे, मुझे दिखा देना चाहते हैं आप? क्या और यार दिखा दिया यार, तेरी माँ को दिखा दिया यार, बड़ी फटी खिलगी ना, इससे तो पार पाना ही होगा यार. जैसे इससे भी मशवरा लेना था. अच्छा ठीक है, मैं फिर बात करता हूँ यार. इसको दिखाए, वैसे बच्चे तो सारे आपके साथ ही रले हुए, मेरी कौन सुनता है, ये भी मान गया होगा आपकी बात. अच्छा चलो निकलिए, तो ऐसे ही बह रहे हैं, रणा मैदान है ना, बैठ जाए वैसे कुर्सी. विकी तुम कराची आके काफी इंसान के बच्चे बन जाते हो. क्यों, फैसलाबाद में मेरी दुम ने कल आती है क्या? पता नहीं, लेकिन कुछ हो जरूर जाता है, स्पेशली जब तुम मर्मेट के साथ होते हो. स्टॉप कॉलिंग माय मॉम अ मर्मेट. तुमने उनका नाम खुद ही तो रखा था.
लैला कोई अपनी माँ का नाम नहीं रखता। तो नन्ने अपनी अम्मी को अपार्टमेंट दिखाने के बजाय तू मुझे यहाँ क्यों लेके आया? तुम्हारा दिमाग खराब है। तो इलाज कर दो। तुम उस दिन कॉफी पीने किसके साथ गई थी? फिक्की, फिक्की तुम्हारे बाल क्या? तुम गंजे हो रहे हो। फजूल बातें नहीं करो यार। नो, I swear तुम्हारा फोरहेड बड़ा होता जा रहा है। देखो लैला, अगर मैं गंजा भी हो गया ना तो सारी लड़कियां मुझ पर इसी तरह मरेंगी। तुम मुझे ये बताओ कि तुम उसे झूठ बोलकर किसके साथ कॉफी पीने गई थी? तो गंजा नहीं है लैला। विक्की, फजूल है। मुझे पता था कोई इंतहाई फजूल बंदा होगा जिसके साथ तुम कॉफी पीने गई होगी। फजूल हो तुम, और तुम्हारा मुझसे इंक्वायरी करना है कि मैं किसके साथ कॉफी पीने गई थी, क्योंकि ना तुम्हें पूछना था और ना ही मैं तुम्हें बताऊंगी। इसलिए असल बात बताओ, क्यों बुलाया है? एक लड़की के लिए गिफ्ट खरीदना है। गंजे? कौन अंधी है? जिसके लिए मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ता। तो बुला लो ना उसे यहाँ, उसकी पसंद का गिफ्ट खरीद लो। और वैसे भी मेरे पास एरो वेरो के गिफ्ट के लिए टाइम नहीं है, जा रही हूँ मैं। कहाँ? कॉफी पीने ना? तुम कराची आके इंसान के बच्चे लगते हो, गंजे भी हो तुम और इरिटेट भी करते हो, इसलिए मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज़। रुको, सुकैना की बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट खरीदना है। हाँ तो सुकैना जितनी अच्छी दोस्त मेरी है, तुम्हारी भी है, जाके ले लो। तुम इतनी सड़ू क्यों होती जा रही हो? क्यों लड़ी हो उससे? लड़ाई उसने मुझसे की थी। तुमने उसे मोटी कहा होगा। काली भी कहा था। लैला, उसने मुझे 4 इंच की लड़की बोला था। खुदा के वास्ते यार, अब तो 9 साल के बच्चे भी नहीं लड़ते इन बातों पे। देख लेना, उसी मेले ताके से शादी करेगी। तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारी पसंद से तो नहीं करेगी ना? और अगर उसे ताका पसंद है तो वो उसी से करेगी, और तुमको खुश होना चाहिए। जबरदस्ती खुश होना चाहिए? क्यों खुश हूँ? क्योंकि इडियट इतनी पुरानी दोस्ती मोटा या काला कह देने से नहीं टूटा करती। 4 इंच की लड़की कह देने से टूट भी सकती है। बिल्कुल टूट सकती है, बर्बाद हो सकती है। तुम लोग कत्ल कर दो ना एक दूसरे का, लेकिन प्लीज मुझे पहले गिफ्ट दिला दो उसके लिए। विक्की, एक प्रॉमिस करो ना प्लीज, मेरी बर्थडे पे तुम सुकी की पसंद का गिफ्ट ना देना प्लीज, क्योंकि उसकी पसंद जो है ना वो ताके की तरह बहुत लाउड होगी, शेड्स के साथ प्राइस टैग वाली। उठती हो या नहीं? उसने मुझे सॉरी भी नहीं बोला। लानत है ऐसी दोस्ती पे जिसमें सॉरी और थैंक यू बोलने पड़े यार। तुम जाओ फोन बिल का बहाना करके कॉफी पीने, मैं खुद ही खरीद लूंगा उसके लिए। विक्की आ रही हूँ। रबिया, रबिया इस कॉलर के कान कुत्ते के कानों की तरह क्यों हो गए? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मैंने कभी कुत्ते के कानों पर गौर नहीं किया। अब कर लो यार भाई, ये कॉलर सीधा नहीं हो रहा। कुत्ते के कान नहीं, कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है और हमेशा टेढ़ी रहती है। वैसे तुम जा कहां रहे हो जो तुम्हें कुत्तों की खसूसियात जानने की जरूरत पड़ गई? मां जी के पास। फिर ठीक है। क्या मतलब? तुम कहां जा रही हो? जाना कान चाहिए ना तुम? यानी? ना मैं भांजी से मिलने जा रही हूँ, ना भांजी से मिलने जा रही हूँ, मैं डॉक्टर फरिया के पास जा रही हूँ। अकेले? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे मेरे साथ, 4 आगे 4 पीछे, पूरे प्रोटोकॉल के साथ जाऊंगी। नहीं, मेरा मतलब है अम्मी के बगैर। सिक्योरिटी गार्ड्स जो है मेरे साथ, तो फिर अम्मी की क्या जरूरत है? सफिया, तुम मेरी किसी बात का सही जवाब नहीं देती हो। तुम्हें अपने कान और दुम घर पे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, ताकि डॉक्टर्स फरिया को पता चलना चाहिए। शायद अगली बार वो आपको साथ बुलाएगी। वैसे ये कॉलर जो है स्पेनियल के कान लग रहे हैं। हाँ जी, बहुत खुश होगा, फिल्म तो समझो तुम्हारी बन गई। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा काम हो जाना चाहिए। डर रहे? हो डरा दे। पैसों की ना परवाह कर, पहुंच जाएंगे तुझे। ओ हो, बस ना, बस मेरा काम होना चाहिए। सही है फिर, ओके ओके, खुदा हाफिज़। किसको डराती फिर रही है? हैं जी, वो मैं
हाँ वो पता जो टेलर मास्टर से बात कर रही थी, एक कारीगर है बड़ा ही तंग करता है। मैंने कहा डरा दो उसको, निकाल देंगे हम नौकरी से। डिजाइनिंग के साथ साथ दहशतगर्दी कब से शुरू कर दी है? बस क्या करे चॉइस, अब इंसान को वक्त के साथ बदलना ही पड़ता है। वैसे पटाखे पटूखे मेरे पास फैसलाबाद में भी बड़े थे, आपको पता नहीं चला कभी भी। सदके जाऊं तेरी दुनियादारी के। अच्छा ये जमजमा रोड से गुजरने लगे हैं, वो दुकान वाले के पास भी जाना है? छड्डो जी की फायदा, रहन दो। क्यों भाई, और दीपक परवाने के मुकाबले दुकान खोलने है, भूत उतर गए बस। बस चॉइस, अब अगर वो अपनी दुकान नहीं देना चाह रहा काश हुसैन, तो अब क्या करें हम? अब उसको धमकियां दे दे के तो नहीं ना उसकी दुकान खाली करानी, इंसानियत भी कोई चीज होती है दुनिया के अंदर। बस अहमा खैर तो है, इतनी समझदारी की बातें तूने कब से शुरू कर दी है? बस चौधरी साहब, सहमा चौधरी के बड़े रूप हैं, आपने तो कभी ये रूप देखा ही नहीं। हाय हाय, जब तेरा ये रूप नजर आता है ना तो तेरे ऊपर बड़ा ही प्यार आता है। हैं? फिर तो कसमानु खाए रूप है? नहीं वो आगे गाड़ी चलाए आगे देखे, अभी आने लगा था गधा आगे। आपके क्लिनिक में बहुत सुकून है। रियली? मुझे नींद आने लगती है। अच्छा, बहुत दिनों से मैं ऐसे मैंने अपने क्लिनिक पे गौर नहीं किया। अपनी चीज़ें ना आपको आदत हो गई होगी। रबिया आपके नवासे का क्या नाम है? नायल। बहुत प्यारा नाम है। बहुत रोता है वो। आपको उसकी रोने की आवाज़ बॉदर करती है? हाँ, मैं सो नहीं पाती ना, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने कमरे को साउंड प्रूफ कर दूँ। रबिया, घर और क्लिनिक में बहुत फर्क है। घरों के कमरे साउंड प्रूफ नहीं हुआ करते। मैं कुछ मेडिसिन से नहीं, नहीं प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब, मुझे मेडिसिन नहीं लेनी। अगर आपने मुझे मेडिसिन दी तो मुझे यूं लगेगा जैसे मैं पागल हूं, जो कि मैं नहीं हूं। अगर आपको उसके रोने की आवाज आती है तो आप नायल को जाके देखती क्यों नहीं है? मुझे डर लगता है उससे। डर लगता है? हाँ, मैंने उसे उठाया तो वो गिर जाएगा। इसलिए आप उसे गोद में नहीं लेती? हाँ। रबिया, आपके हैंडबैग जितना वजन है उसका, वो नहीं गिरेगा। आप उसे उठा के देखें, भारी नहीं है। नहीं नहीं, वो फिसल सकता है ना हाथ से। ऐसा नहीं होगा। फिर भी अगर आप उसको उठाना नहीं चाहती, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, दो तीन घंटे दिन में नैपीज चेंज करके देखें, उसके साथ थोड़ा सा खेलें। इंडिया में मेरी शाहरुख से बात हुई थी, कहने लगा अगर मेरी डेट्स हुई ना तो मैं आपकी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस कर दूंगा। अच्छा? हाँ, और अगर ना हुआ ना तो वो अक्षय कुमार तो है ना, मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती है। अरे फराज साहब, ये बातें तो होती रहेंगी, अब कुछ और सुनाए। तो मैं स्टोरी सुनाऊं? अरे अपनी स्टोरी सुनाइए सर। मेरी स्टोरी? मेरा मतलब है कुछ अपने बारे में भी तो सुनाइए ना, हम तो आपको सिर्फ एक सेलिब्रिटी के तौर पर जानते हैं, अगर आपकी जाती जिंदगी के बारे में भी पता चल जाए तो अच्छा है। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा है। लाइफ में अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं, बीवी है, एक बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। दैट्स ग्रेट, जबरदस्त। और सास ससुर? सास ससुर वो कैसे हैं? सास तो बहुत अच्छी हैं, मैं उनको आंटी कहता हूँ, लेकिन मेरी वालदा जैसी हैं। और ससुर? उनका इंतकाल हो गया। वाओ, इन्हालिल्लाह इन्हालिल्लाह। 18 साल पहले हुआ था। ओह, फिर तो उनको बहुत अकेलापन महसूस होता होगा। किनको? आपको, क्योंकि आप फैमिली में अकेले मर्च हुए। नहीं नहीं जी, माशाल्लाह दामाद भी है। लेकिन घर के बड़े तो आप हैं ना, सारे बड़े फैसले जिम्मेदारियां आपको निभानी होती होंगी, मिस तो बहुत करते होंगे। किसको? ससुर को। मैंने कभी ज्यादा इस बात पे गौर नहीं किया। तो प्लीज करें ना, कि ससुर होता तो ऐसा होता, ससुर होता तो ऐसा होता। कैसा होता? ससुर होता और क्या होता। वैसे उनके बगैर भी इट्स गोइंग फाइन।
ये तो आप लोगों को लगता है ना, कभी इस बारे में अपनी सास से पूछिएगा कि जब कोई खुशियों को गम को बांटने वाला ना हो तो कैसा लगता है, और ख़ास तौर पर उन जैसी नफीस खातून को। जी सही कह रहे। बस मैंने सोच लिया है, मैं आपको और तमाम घर वालों को डिनर पे इनवाइट करना चाह रहा हूँ। जी भाई हम दोनों बिजनेस कर रहे हैं ना, और मेरा उसूल है कि जिसके साथ बिजनेस करो उसकी फैमिली मेरी फैमिली होती है, इसलिए मैं आप लोगों को डिनर पे इनवाइट करना चाह रहा हूँ। वो देखिए इनकार मत करिएगा, मेरा दिल टूट जाएगा। वो नहीं, दरअसल वो फैसलाबाद से एक फैमिली आई हुई है हमारे घर पे, यहाँ तो बहुत से लोग हैं, तो सबके को इनवाइट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ज्यादा या कम लोगों का इशू नहीं है, लेकिन हम सबको बुलाना जरा मुश्किल सा हो जाएगा ना। तो फिर मुझे बुला ले, मैं तो अकेला ही हूं ना। जी क्या ख्याल है? हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपको इनवाइट करने की क्या जरूरत है, आपका तो अपना घर है। क्या मतलब, आपने यहाँ पर फ्लैट ले लिया? अपा जी आपको तो पता ही है, सहमा चौधरी ने इधर दुकान ले ली है, और फिर विकी ने भी इधर ही रहना है। क्या आपको यहाँ पर किसी चीज की कमी महसूस हुई, या किसी ने कुछ कहा? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पर एक घर होते हुए दूसरा घर लेने की क्या जरूरत? दूसरी बात ये है कि पुत्र की ससुराल है वो इधर टिकी होना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना जी। तो इसका तो ये मतलब हुआ चौधरी साहब कि आप हमें सिर्फ ससुराली समझते हैं और अपना नहीं जानते। ओए होए अम्मा वडी, ससुराली हो या इसराइली हो क्या फर्क पड़ता है। बात यह कि हमने ना जरा विक्की को लंदन का माहौल देने के लिए अपार्टमेंट लिया है, कागजी कार्रवाई है, फिक्र ना करो, हमने इधर ही पड़े होना है, इधर ही रुल रहे होंगे आपके घर में हम, क्योंकि रौनक मिला तो इधर ही है ना, फराज साहब का घर है ना इसलिए है। वैसे भी पता क्या, मुझे अपार्टमेंट इतने पसंद नहीं है, छोटा सा डब्बा बोगी जैसे होता है ना मुन्ना सा, शुरू बाद में होता है खत्म पहले हो जाता है, मैं तो बड़ी बोर होती हूँ अपार्टमेंट में। चले अब आपने घर ले ही लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ, चले ना हूँ मिट्टी पाओ चिल माहौल थे मिठे चौल। वो कभी जगह भी देख लिया अगर बात करते हुए। क्यों मैंने गलती कर दी? अम्मा बड़ी आपको शुगर है? जी अपना आपा जी वो बच्चे नहीं नजर आ रहे, किधर है वो बच्चे? गए हैं सुखी के यहाँ। अच्छा हाँ है सच्चे चोई साहब, आपने जुमा ही नहीं पढ़ा, पढ़ा था कि नहीं था पढ़ा? ओए आज जुमे रात है, जुमा नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल जुमा तो कल पढ़ लेना। ए, अम्मा बड़ी हाँ? इसमें से एक नाले पानी देना, डालना शलवार में चोई साहब जी। अच्छा चले फिर मैं, कोई बात नहीं मैं पिंसल से डाल दूंगी। अच्छा सब जल्दी से आ जाना, मैं कपड़े तैयार कर लूँ, सवेरे जुमे को जाना है। तौबा तौबा। मुझे भी डेंगू होता है। चलो कुछ दुबली तो हो जाओगी। आप मेरी बर्थडे के दिन मेरे ऊपर सारा स्प्रे करके मुझे जान से क्यों नहीं मार देती हैं? बर्थडे दिन में आती है, रात में नहीं। सुखी कम से कम कमरा तो साफ कर लिया करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे ये अच्छा मजाक है, मेरा प्रेजेंट तुम लोग बाहर छोड़ो। मैं अभी लाता हूँ। अभी आप यहाँ स्प्रे करने आई थी? अच्छा से फूके तो मारो, फूके मारो बैठ जाओ, मेकअप इज मेकअप इज मेकअप इज। तुम दो दिन रह गए, तुम दो साल की हो गई हो। ये लो, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे से क्या, तुम्हारे से क्या, तुम आ गई। मुझे पिक नहीं कर सकते थे गंजे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। ये क्या हुआ तुम्हें? इतना बुरा गाए थे हम कि तुमने रोना शुरू कर दिया? नहीं जी, ये समझी थी कि हम लोग भूल गए हैं ना। चलो उठ के केक काटो और फिर पास्ता खाओ।
चेयर अप, हरी अप। ओके, रेशमा की तरह कमरे में पड़ी हुई होगी और गा रही होगी मेरी हम जोली। कितनी चीप औरत हो तुम आखिर आई कैसे? मत पूछो, इतनी मोटी मोटी गालियां दे रही थी तुमको ये। ये वक्त नहीं है मजाक करने का। क्या कह रही थी ये? और पता है कह रही थी कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगी कभी जिंदगी में। बाहर हो तुम। क्यों, क्या क्या क्यों कहा इसने ऐसा? अगर मैं तुम्हें बता दिया तो तुम नाराज हो जाओगी। विकी मत करो ना। नहीं अब तो बताओ मुझे, बताओ मुझे, बता दो वरना मर जाएगी ये। बता दूं? बोलो बोलो बोलो। तो तुमको पता है लैला ना फोन बिल जमा कराने के बहाने किसी से कॉफी पीने जाती है। नहीं विकी ठीक कह रहे हैं, कॉफी के अलावा उसने डिनर पे भी कहीं जा रही थी किसी के साथ। तुम्हें कैसे पता ये? जूते क्या उधार ले लिया? तुम सबको बताओगी क्या? तुम इसके जूते पहन के किसी और के साथ डेट पे गई थी? इतने बड़े बड़े इयररिंग्स, पूरा पूरा मेकअप लगा के क्रिसमस ट्री लग रही थी। मैं इसको बोला भी था मत पहनो। लैला दो दिन तुमने मुझसे बात नहीं की, इसका मतलब ये कि मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा। कौन है वो? कौन है? कौन है वो? बोलो बोलो बताओ अब कौन? ताका। ताका? झूठ बोल रही है। इसको पकड़ो, पकड़ो इसे। लैला यार वो क्या बात है, किसको ढूंढ रहे हैं? अरे ढूंढ नहीं रहा, मैंने तुमसे मशवरा करना है, देख रहा हूँ कुछ सुन ना ले, देख ना ले। आपने भी तो कहीं दूसरी शादी नहीं कर ली? अरे पागल हो गया हो? मैं कल मैं भांजी के पास गया था। किसकी भांजी? अरे नहीं वो खालिद भांजी, मेरी फिल्म का प्रोड्यूसर। ओ अच्छा। हाँ वो हमारी फैमिली को डिनर पे बुलाना चाह रहा था। मैंने उसे कह दिया हमारे घर पे मेहमान है तो लिहाजा हम जा नहीं सकते। अच्छा किया। मगर उसने फिर खुद अपने आप को इनवाइट कर लिया यहाँ पे। हैं क्या भाई? उसने बहुत इसरार किया, मैं उसे कैसे मना करता। क्या आपने भांजी को घर बुला लिया? आहिस्ता आहिस्ता सॉरी सॉरी आहिस्ता। आपको पता भी है कि नानो उसको पसंद नहीं करती फिर भी बुला लिया। यार मैं क्या करता, मैंने उसे 6.5 करोड़ रुपए लिया फिल्म बनाने के लिए, अब मैं उसे कैसे बताऊं कि तुम मेरे घर पे मत आना, मेरी सास तुम्हें पसंद नहीं करती। अब मैं तो फंस गया ना। फंसेंगे तो अब जब नानो को पता चलेगा। यार खुदा का वास्ता टेंशन मत दो, कोई सोल्यूशन ढूंढ लो। सोल्यूशन एक सोल्यूशन है। क्या? बताना नहीं किसी को। दूसरी शादी कर ले और मेक श्योर जो आपकी सास हो वो भांजी को पसंद भी करती हो। कैसा? वाह वेरी गुड, गुड आइडिया। मम्मी जी मेरा वॉलेट देखें। विक्की साहब दो दिन से देख रही हूँ, आता है तैयार होके निकल जाता है, आता है तैयार होके निकल जाता है। हमें भी जरा से लिफ्ट करा दे। मम्मी जी वो लैला वगैरह के साथ बिजी था। अच्छा फिर तो ठीक है, वरना तूने हमारे साथ रह रहे के तो बोर ही होना था। ओए एक दफा अच्छी तरह सोच ले, नाराजगी शो करनी है कि प्यार। हाय हाय वे मैंने टोकन वालिया, वे लग रहे तेरे सारे कपड़े टुके जान। चोई साहब माँ बेटे के बीच में बिटवीन ना आया करें आप। क्या एवरी टाइम कचर कचर हाउके ना बर्दाश्त। अच्छा तू बता किधर जा रहे है इस वक्त? लंच पे लैला के साथ। हाय हाय बात सुन, बिल आप ही देंगे फट। मम्मी जी मेरे पास है, रख लेना काम आते हैं। सिला भी साथ होगी, सुकी की बर्थडे तो हम सब साथ लंच कर रहे हैं। उड़े कर वापस कर, खबरदार जब तूने बिल दिया होगा तो। क्यों अब क्यों नहीं दे रही पैसे? हैं क्यों? मैं उस नुच्छी की होने वाली बहू के लिए किस लिए अपने पैसे लुटाऊं? भाई तू उनको कह देना कि अपना अपना करना, डच सिस्टम है। डच सिस्टम मम्मी जी? एक ही बात है, पेश पावे ऊपर लगाओ तो पावे नीचे लगाओ, और ज्यादा दोस्तियां बढ़ाने की जरूरत नहीं उसे मोटी स्कीना से। मम्मी जी पहले भी बता चुका हूँ मुझे आपकी नुच्छी खाला की लड़ाई के बीच में नहीं आना, और वैसे भी ताके की शादी नहीं हो रही सुकैना के साथ। हैं क्यों भाई? ओ अब्बा जी वही बीए की डिग्री वाला इशू, लॉन्ग स्टोरी, मैं मिलता हूँ फिर, अल्लाह हाफिज। अच्छा हुआ मैं भी सोच रही थी इतनी अच्छी लड़की, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाना था उधर नुच्छी के खानदान में जाके, इतनी को हो जाना था उसने महीने बाद। चल अब तू शुरू हो जा। वैसे चोई साहब जब मैं ब्याह की आई थी आपके घर, हाय हाय क्या बड़ी बड़ी मेरी आंखें थी, ये बड़ा सारा मेरा मुंह था, ये 6 फुट मेरा कद होता था, आपके साथ रह रहे तो मैं कद्दों मार ही पड़ गई हूँ। तो हमारी शादी या कबले मसीह में हुई थी? चोई साहब मेरे ना तुसी फारसी ना बोलिया करो अजीब जी। जी जी पहुंच गए हैं, पहुंच गए हम लोग जी। हाँ मुश्ताक मेरे साथ है, साथ है जी। हाँ ठीक कह रहे हैं, 1 बज गया ना, वैसे अब तो कोई टाइम भी नहीं है घर जाने का, ऐसा करते सीधे रेस्टोरेंट ही पहुंच जाते हैं। ठीक है ओके जी, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। ड्राइवर चलो बेटा जरा जमजमे की तरफ लेके चलो गाड़ी। अम्मी जी अभी कहाँ लेके जा रही हैं?
और मिसेज रफाकत और उनकी बेटी को मैंने खाने पे बुलाया था, हम उनको वही मिलेंगे। अम्मी जी मगर साथ तो ले लें, अभी अभी हम लैंड किए। वो कर गए हैं ना लैंड, हम होटल जाके भी तूने कौन सा तीर चला लेना है। और लेकिन रेस्टोरेंट में मिलने की क्या जरूरत है, हम उनके घर भी तो जा सकते हैं। हाय अल्लाह, मुझे सब पता है, तुझे जो शौक है ना ट्रालियों से चीजें निकाल के खाने का। अम्मी जी वो तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि रेस्टोरेंट में इस तरह सबके सामने मिलना। वो ये बातें तेरे सोचने वाली नहीं है लड़कियों की। अब मेरी बात सुन, पिछली कोई बात ना करना, मैं तुझे बता दूँ। जी जी पता है मुझे। छूटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, नीचे आई बारिश तो धम से गिर पड़ा, सूरज निकला जैसे मकोड़ा सूख गया, छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया। क्या बात है लैला, आजकल तो तुम बड़ी अच्छी लग रही है, तुम्हारी स्किन बहुत ग्लो कर रही है। नानी कुछ भी नहीं किया। नहीं फिर भी कोई तो बात होगी ना, कोई खास शख्स। एवी कोई शख्स आ जाएगा। फिर भी लड़कियां ऐसी खामखा खुद ब खुद तो चमकने नहीं लगती। सीक्रेट बताऊं, फेशियल करवाया है। फेशियल? हाँ ना, वो पारसी आंटी वाला फेशियल, एलोवेरा फेशियल। क्या गजब का फेशियल करती है वो, आपको भी लेके जाऊंगी। अच्छा अभी कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो सुखी ने लंच दिया है, उसकी बर्थडे है ना। अच्छा तुम खुद ही यहाँ आ गई? क्यों, तुम मेरे घर गए थे क्या? और क्या, आदत पड़ गई है, अब जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो तुम फिक्र करने का ख्याल आ जाता है। तुम इधर आओ फौरन। आओ ना तेरा पकड़ो इसे, ताकि मैं देख के आऊं सिला तैयार हुई कि नहीं हुई। चल दिया लैला, ये मेरे पास उठ जाएगा। अरे क्यों उठेगा, तुम उठाओगे तभी उठेगा ना पागल। मैं इसे क्यों उठाऊंगा? किस तरह उठाया हुआ है तुमने इसे, इस तरह पकड़ोगे तो टार्जन भी उठ जाएगा पागल गंजा। इसमें तो कोई काम की रेसिपी नहीं है, जरा मुझे निकाल के दें, कोई कैसरोल की रेसिपी है आपके पास? हाँ एक मिनट यार प्लीज आंटी को पकड़ा दो। आंटी प्लीज को पकड़ ले। सॉरी यार, मुझे ना कपड़े स्त्री कर रही थी, तंग तो नहीं करा? तुम्हें तो सुला दिया इसको। अच्छा तुम्हारे साथ खुश है, रखो मेरे साथ। चलो पहले तुम बेबी को पकड़ो, मैं जल्दी से एक मिनट देख के आती हूँ जैनब को किसने किया कि नहीं। जल्दी कर लो। नाल फैट क्या क्या तुम्हारे, जाहिर है घर पे इसको कौन संभालेगा। हम है ना, हम संभाल लेंगे यहाँ पर। चलो जाओ तुम जाके तैयार हो और नायल मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी इसे। ओके थैंक यू। सिला अब जल्दी कर लो, जल्दी ना, जल्दी। हां बीबी सो गया है, सो गया है, सो गया। चलो तुम तो चलो, तुम तो चलो। हेलो जी फराज साहब, क्या हाल है? अरे भांजी साहब आपने क्यों फोन कर दिया? जी आप, मेरा मतलब है कि आपने क्यों जहमत की, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था जी। भाई इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होना। वो एक्चुअली मैंने पूछना ये था कि आपने डिनर वाला प्रोग्राम कंफर्म ही नहीं किया। एक्चुअली वो मेरे जहन से निकल गया था, बहुत बिजी हूँ ना इस वजह से। भाई मुझे यही डर था, इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही कॉल करके पूछ लूं। एक्चुअली 7th को मुझे दुबई जाना है जरा। ओह ग्रेट जी। मेरा मतलब है ग्रेट, दुबई इज ग्रेट प्लेस यू नो, मैंने बहुत फिल्मों की शूटिंग की है दुबई में। हाँ लेकिन मेरे जहन में वो डिनर वाली बात थी, इसलिए मैंने दुबई का ट्रिप कैंसिल कर दिया है। क्या ख्याल है साथ को ही कर लें डिनर? साथ 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 नहीं नहीं साथ को नहीं हो सकता, साथ को मैंने रीमा की फिल्म की शूटिंग करनी है। तो 8th को? 8th को तो वो मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट गाना है बारिश का मीरा के साथ। चले 9th को? 9th को तो मैं भीगा हूँगा। मेरा मतलब है 9th को आपने दुबई नहीं जाना? भाई अब तो डिनर के बाद ही जाऊंगा, तो क्या ख्याल है 9th को कर लें? तो कोई मसला है क्या?
नहीं नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं है, बस नाइन्थ को पक्का समझे। सिर्फ समझू या पक्का? पक्का पक्का। ग्रेट, तो फिर नाइन्थ इज कंफर्म। पक्का। सो सॉरी रबिया, बगैर अपॉइंटमेंट। खैरियत? आई एम सॉरी, मैं मुझे लगा मुझे अभी आपसे मिलना है बस। ओके एक्सक्यूज मी जस्ट। एवरीथिंग ओके? मुझे मेडिसिन चाहिए। और मुझे लगता है कि अब आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। मुझे चाहिए। मैं जब नाइल को देखती हूँ तो मुझे रोना आने लगता है। ऐसी कोई मेडिसिन चाहिए जो जो रोना रोकते? रोना क्या इतनी बुरी बात है? नाइल के सामने तो नहीं रोना चाहिए ना। ऐसी मेडिसिन होती है ना जिसे खा के इंसान लाइट फील करता है? जी होती है। मैं प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख के देती हूँ, एक शर्त पे। सिर्फ एक हफ्ते के लिए लेंगे, फिर उसको टेपर ऑफ करेंगे और फिर बंद कर देंगे। आप लॉबी में वेट करें, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन भेजती हूँ। मैं अच्छा वैसे हमारी वालदाओं को गए हुए काफी देर नहीं हुई? शॉपिंग पे गई हैं, थोड़ी देर तो लगेगी ना। वैसे ये भी है। वैसे आप क्या हमेशा ऐसे ही चुप रहते हैं? जी नहीं जी, मैं तो बस वैसे ही। अगर कोई बात नहीं करनी तो कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर ले। और नहीं जी, मैं वो माफी चाहता हूँ, आप क्या खाएंगी? वेटर, यानी कि आप बात करने के मूड में नहीं है? और नहीं जी नहीं, वो तो असल में मेरे ना ये फोन आ गया है। मैं आप एक काम करें, आप ना ऑर्डर प्लेस कर दे। अरे ऑर्डर ले ले यार, मैं एक मिनट। बहुत गर्मी हो रही है। व्हाटएवर, तुम लोग को पता मैं कितनी देर से वेट कर रही हूँ यहाँ पे। एटलीस्ट बर्थडे के दिन तो थोड़ा सा लिहाज करना था ना। अच्छा अच्छा यार, खाद कूद पवा दे यार, फिर खराब ना हो जाए। मुश्ताक क्यों यहाँ? मैं यहाँ फोन अटेंड कर रहा था। क्या हाल है तेरा? हम सब तो ठीक है, लेकिन तू कब आया? मैं आज ही तो इधर आया हूँ। तो कह दे जल्दी सीधी, थोड़ा खड़ी रहो। वो एक्चुअली हम ना सुखी की बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे। अच्छा 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 अच्छा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। तू यहाँ कर क्या रहा है? मैं यार ये खाद वाले फोन करने आया था। सो दैट्स गुड, व्हाई डोंट यू जॉइन अस फॉर लंच? आओ ना। नहीं नहीं, खैर खैर है, आप लोग जाए खाए पिए हैं, मैं जरा ये फोनों शोनों से निपटू है। और यार तू खाद नहीं पुआई यार। व्हाट अ कोइंसिडेंस। हां सुखी, तुमने इसको हमारे आने का बताया था क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं भले किसी को क्यों कुछ बताऊंगी? लेकिन पता है मेरा दिल कह रहा है ताका स्पेशली सुखी की बर्थडे के लिए आया है। क्या ख्याल है? मेबी पैचअप करने आया हो। आई नो। एक मिनट, उसे जो कुछ भी करना है ना वो कर लेगा। राइट नाउ हम लोग प्लीज टेबल की तरफ चले। बैठो फोन
लड़की है। तुम्हारा दिल तो कुछ कह रहा था किसी के कराची आने के बारे में। लगा तो मुझे यही था। पर ये लड़की कौन है? Who is she? तुम्हें अगर इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है ना तो जाके उसके साथ टेबल में बैठ जाओ। ओके सॉरी। वो जो भी है हमें उससे क्या है यार, बेटे को बुलाओ। वैसे आपके ख्याल में शादी और मंगनी के बीच में कितना गैप होना चाहिए? वो तो जी डिपेंड करता है। किस पे? खानदान पे, हालात पे, लड़का लड़की पे। वैसे अगर हमारे बीच बात बन जाती है तो फिर शादी और मंगनी में कितना गैप होना चाहिए? Oh no, 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 Suki, that's it. Suki, मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा। शादी में कम से कम आप 100 साल का तो वक्फा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई ना तो फिर आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जी क्या हो गया तुम्हें? और जरा ये बताओ कि इसने कितनी लंबी लंबी छोड़ी अपनी फैमिली और स्टेटस के बारे में। सुखी देख तमीज नाल गल कर हुन मेरे नाल। तुम मुझे तमीज सिखाओगे? एक मिनट, आप दोनों के एक दूसरे को पहले से जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से, अंदर और बाहर से जानती हूँ मैं इसे। देखो तुम्हारा मुझसे अब कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, वरना पूरी जिंदगी एक जाहिल के साथ गुजारना होता मुझे। सुखी अब क्या कर रही है तू? और तुम ये सब कुछ छोड़ो, मुझे बताओ अपनी एजुकेशन के बारे में क्या बताया तुम्हें? सुकैना इनकी फैमिली तो फॉरेन क्वालिफाइड है। फॉरेन क्वालिफाइड? फॉरेन उर्दू वाला और क्वालिफाइड ये काफ से लिखते हैं। अब विकी एनु अपने नाल ले जा यार। अबे सुखी क्यों चलूं? क्योंकि इसका भांडा फूट रहा है इसलिए। इससे तो मैं ये बात बताई थी कि इसकी बीए की डिग्री नकली है, जाली है जाली, और ये एमएलए के इलेक्शन से भी सिर्फ इसी वजह से डिस्क्वालीफाई हुआ है। क्या इनकी मम्मी ने तो कहा था कि पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहे बीए भी नहीं हो रहे एमए। और तुम अपनी हद से गुजर रही हो। नहीं नहीं तो तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ कराची की मासूम तरीन लड़कियों को धोखा दे रहे हो। सुनो अभी भी वक्त है, मैं कह रही हूँ निकल लो, वरना तुम सारी जिंदगी मेरी तरह रोती रहोगे कि कहाँ पे से टाइम वेस्ट किया अपना। ये सब ड्रामा है ड्रामा। वो तुम चुप कर जाओ वरना क्या हाथ लगा के तो देखो तुम्हारी सिंगल पसली को ना मल्टीपल पीसेस में करके फेंक दूंगी मैं। और तुम धमकियां किसे दे रही हो? उस्ताद छोड़ना यार, ले रहे तुम इसे लेके जाओ। अरे कहीं नहीं जा रही मैं, आज मैं देखती हूँ ये करता क्या है। और तुम मुझे अभी जानती कहाँ हो? चल चल मोटी।